हेलो ऑल स्पेस गीक्स। कोरोना पेंडेमिक के बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन में अब जाके दो बड़े अनाउंसमेंट्स सामने आए हैं। अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस और वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैनसन दोनों ने अपनी अपनी स्पेस एजेंसी के खुद के स्पेस व्हीकल में अंतरिक्ष के शहर पे जाने का मन मना लिया है, जिसमें से रिचर्ड ब्रैनसन ने अपनी जर्नी ख़त्म भी कर दी है। या हम इस वीडियो में दोनों मिशंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उनमें क्या डिफरेंसेस है। तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर से देखना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। स्पेस मिशंस के कंपैरिजन से पहले हम दोनों बिलियनर्स के बारे में जान लेते हैं। तो जेफ बेजोस यूएसए और रिचर्ड ब्रैनसन इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज है जो कि दोनों सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जेफ बेजोस की स्पेस एजेंसी का नाम ब्लू ओरिजिन और रिचर्ड ब्रैनसन की स्पेस एजेंसी का नाम वर्जिन गैलेक्टिक है। 15 सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट्स के बाद 5 मई 2021 को ब्लू ओरिजिन ने अपने मिशन की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें जेफ बेजोस के साथ टोटल 4 क्रू मेंबर्स 20 जुलाई 2021 को स्पेस में जाने वाले हैं, जिसमें से वैली फंक नामक 42 साल की एक फीमेल एस्ट्रोनॉट भी होने वाली है। तो दूसरी तरफ वर्जिन गैलेक्टिक ने भी 11 जुलाई 2021 को स्पेस में जाने की अनाउंसमेंट कर दी थी, जिसमें रिचर्ड ब्रैनसन के साथ टोटल 6 मेंबर्स का क्रू था, जिसमें से एक इंडियन बॉर्न फीमेल एस्ट्रोनॉट शिरीषा बेंदला भी थी, जो कि भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अब अगर स्पेस फ्लाइट की प्राइसिंग की बात करें तो वर्जिन गैलेक्टिक ने अपनी प्राइस ऑफिशियली अनाउंस की है, जो कि है $2,50,000 पर पर्सन। खैर, ब्लू ओरिजिन ने अपनी प्राइस अब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं की है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी प्राइस भी वर्जिन गैलेक्टिक के प्राइस के आसपास ही होने वाली है। दोस्तों, ब्लू ओरिजिन के ये फ्लाइट मिशन में ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड नाम के स्पेस व्हीकल का यूज़ होने वाला है, जो कि एक फुल्ली ऑटोनोमस स्पेस व्हीकल है। ये न्यू शेफर्ड व्हीकल BE-3 लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट मोटर से ऑपरेट होने वाला है, जो कि 2.5 मिनट्स तक चलेगी और क्रू कैप्सूल को 900 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से 55 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचा देगी। उसके बाद फ्यूल टैंक, बूस्टर और रॉकेट मोटर के साथ पूरा सेटअप पृथ्वी पे सेफली लैंड करेगा, जिससे उनका यूज़ बाद में दूसरे मिशंस के लिए हो सके। ये पूरा मिशन 10 मिनट्स तक चलेगा और क्रू कैप्सूल को एटमोसफियर में आने तक एस्ट्रोनॉट्स को वेटलेस फील करवाएगा और फाइनली क्रू कैप्सूल पैराशूट्स के साथ अर्थ पे लैंड करेगी। दूसरी तरफ बात करें वर्जिन गैलेक्टिक की, तो स्पेसशिप 2 नाम के स्पेस प्लेन का यूज़ हुआ था इस मिशन में, और यही एक प्लेन से स्पेस ट्रैवल वाली बात ही इस मिशन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। व्हाइट नाइट 2 नाम के एक कैरियर एयरक्राफ्ट से जुड़ के स्पेस प्लेन 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था और फिर वहां से डिटैच होकर अपने हाइब्रिड रॉकेट मोटर इंजन को पूरे 1 मिनट तक बर्न करके 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। न्यू शेफर्ड की तरह ये भी कुछ ही मिनटों तक एटमॉस्फेयर में री एंटर होने तक एस्ट्रोनॉट्स को वेटलेस फील करवाता है और फिर एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह ही पृथ्वी पर लैंड करके उसी स्पेस प्लेन को फिर से यूज़ में लिया जा सकता है। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो वाकई में इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और अपने स्पेस एंथुसियास्ट फ्रेंड्स को शेयर करना। और ऐसी ही मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज़्यादा देखना चाहते हो तो स्पेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। थैंक यू वेरी मच।